करें तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन इसी के साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक माहौल भी गर्माया हुआ है। और इसी क्रम में पांकी विधानसभा में विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। पांकी के युवाओं ने विधायक से 5 साल का हिसाब मांगा है और इस दौरान युवाओं ने कहा है कि 5 साल में युवाओं के लिए क्या किया है विधायक ने, इसका उन्हें हिसाब देना चाहिए। विधायक यहाँ के हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे जो 5 साल में कुछ विकास अभी तक नहीं हुआ है, उनसे मैं कहते हैं कम से कम विकास, हमारे घर में पानी पीने के लिए जगह नहीं है, घर के लिए आदमी तरस रहा है, इस काम के लिए कार्रवाई करना चाहिए ना। कुछ नहीं किया 5 साल में, कम से कम अपना देख रहे हैं, हम लोग तो नहीं देख रहे हैं। आने वाला समय बोलते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या किए अभी तक? कुछ नहीं किए 5 साल में। जो हमारे नेताजी जो विकास का काम कुछ नहीं हुआ हम लोगों के लिए, युवा के रोजगार के लिए, इसीलिए हम लोग एकत्रित होकर लेस्लीगंज प्रखंड के सारे युवा जमा होकर इनका हिसाब मांग रहे हैं कि 5 साल में युवा के लिए क्या किए हैं। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? हम लोग लेस्लीगंज बाजार के बाद से चल रहे हैं, यहाँ पे विधायक जी का आवास से पार करेंगे, डबरा मोड़ तक जाएंगे हम। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीत हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पे उनका रुख करेंगे। देखिए संजीत, अगर हम बात करें तो चुनाव नजदीक है, 13 और 20 नवंबर को दो फेज में झारखंड में चुनाव है, लेकिन इसी बीच जो लगा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, अब जो लोग हैं वहां के स्थानीय लोग वो सड़क पर भी उतरकर हिसाब मांग रहे हैं विधायक जी से। उनका कहना है कि विधायक जी ने जो काम किया है 5 सालों में उसका हिसाब दे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ किया है, तो क्या किसी तरह का जवाब दिया है विधायक जी ने? जी देखिए, पांकी विधानसभा का मामला है और यहाँ के वर्तमान विधायक के जो है कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी, उनके विरोध में यहाँ के विधानसभा के युवा जो है एकत्रित होकर के और 5 साल का हिसाब मांगने, क्या आप युवाओं के लिए क्या किए हैं, इस बात को लेकर के उनके आवास तक लोग पैदल मार्च करते हुए वहां तक पहुंचे। हालांकि विधायक जो यहाँ के हैं वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी युवाओं की, उनको सूचना भी मिली और उसके बाद भी विधायक के एक दो कार्यकर्ता हैं और उनके द्वारा ये पता चला कि जो युवा जो वहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें एक दो युवा ऐसे भी हैं, एक दो युवा के गांव जो है जहाँ पे विधायक जी खुद सड़क बनाए हुए हैं वहाँ पे, और वो युवा भी उस सड़क से आना जाना करते हैं, लेकिन युवा अपने रोजगार को लेकर के और भी तरह तरह के जो युवाओं से जुड़े संबंधित मामले हो गए, ऐसे मामलों को लेकर के वो आए हुए थे, लेकिन हालांकि यहाँ पे विधायक जो है कहीं बाहर गए थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। और अभी तक इस मामले में यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं पाकी विधानसभा के, अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी संजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार हिसाब मांग रहे हैं कि विधायक जी 5 साल का हिसाब दे कि आपने क्या कुछ किया है, और खास तौर पे युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और हाथों में तख्तियां लेके शशि भूषण मेहता है विधायक बाकी के, उन्होंने उनसे हिसाब मांगा है कि युवाओं के लिए क्या कुछ किया है, इसका जवाब देना चाहिए विधायक को।